आज हम पढ़ेंगे संन्यास राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन। तो आज हम कल हमने दलित आंदोलन के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे संन्यास राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन इसके बारे में। गुड इवनिंग एवरीवन। राजनीतिक व धार्मिक आंदोलन, ऐसा आंदोलन जिनके अंतर्गत धार्मिक सहारा लेकर के समुदाय, समाज और क्षेत्र में शोषण और बाहरी प्रभाव को खत्म करके अपनी व्यवस्था स्थापित करना था, इसे राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन कहा गया। सन्यासी, फकीर, पागलपंथी, फरेजी, बहावी, कूका, ये सब आंदोलन इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये घटना है बंगाल की। बंगाल में अंग्रेजी राज्य ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और फाइनली मंदिर मस्जिद बचे थे, तीर्थ यात्रा बचा था, तो इस पर इन्होंने तीर्थ यात्रा टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने। सन्यासी टैक्स के दायरे से बाहर थे क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर्टी थी नहीं, लेकिन सन्यासियों को भी टैक्स के दायरे में ला दिया। तीर्थ यात्रा कर से बहुत ज्यादा आहत हुए गिरी संप्रदाय के लोग। सन्यासियों को अन्याय से विरुद्ध लड़ने की परंपरा थी, हालांकि अंग्रेजों का तर्क था कि 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा है, तो इस अकाल में वो नहीं चाहते थे कि लोग तीर्थ यात्रा करें, इसलिए टैक्स लगाया। देखो, एडमिट कार्ड के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, कभी भी कार्ड आएगा तो एग्जाम के लिए आपको 24 घंटे से ज्यादा का वक्त मिलेगा। तो ये जिसको कहते हैं सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ है 1763 ईस्वी से लेकर के 1800 तक। सन्यासियों का विद्रोह था ये। बंगाल में कार्यरत सेना और जमींदार बंगाल के खासकर इस विद्रोह के हिस्से बने, खासकर जो जमींदार बेदखल हो गए थे और मठवासी सन्यासियों ने दो जगह अपनी सरकार भी बना ली। बंगाल में एक जगह का नाम है बोगरा और दूसरी जगह का नाम है मेमनसिंह। मेमनसिंह की एक बहुत बड़ी ऑथर है, तस्लीमा नसरीन का नाम सुने होंगे, जिन्होंने किताब लिखी है लज्जा। इन दोनों जगहों पे सन्यासियों ने स्वतंत्र राज्य भी स्थापित कर लिया बंगाल में। बहुत ही बहादुरी से लड़ते रहे और वारन हेस्टिंग्स एक लंबे लड़ाई के बाद ही इस विद्रोह को दबा पाया। बंकिमचंद चटर्जी ने इस विद्रोह के ऊपर पूरी की पूरी औपन्यासिक कृति लिखी है, उपन्यास लिखा है, उस उपन्यास का नाम है आनंद मठ, क्योंकि बंकिमचंद उस दौर में थे। हाँ, इसी आनंद मठ में इन्होंने लिखा है, इन्होंने वंदे मातरम ये रचना की है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी एकता है हिंदू मुस्लिम, विशेषता है हिंदू मुस्लिम एकता। तो कई नेता भी इस विद्रोह में थे, एक नेता का नाम है मजमून शाह। मूसा शाह, द्विज नारायण, भवानी पाठक, चिराग अली, देवी चौधरानी,
इस आंदोलन में जो लोग शामिल थे वो लोग ओम वंदे मातरम का नारा लगाते थे, ओम वंदे मातरम। लोग बोल रहे हैं हमारे एग्जाम, लोग क्या कहते हैं, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीच में जाए रहना। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, वे कौन है, उनका नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई। यार एग्जाम कभी से है मुझे क्या पता, 18 से है, 6 से है, जब एडमिट कार्ड में आपका अलग अलग डेट और अलग अलग वेन्यू बताएगा। पीएचडी कंपलसरी नहीं रही, पीएचडी पहले था ना कि यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में तो मिनिमम एलिजिबिलिटी नेट था, यूनिवर्सिटीज में मिनिमम एलिजिबिलिटी इन्होंने नेट प्लस पीएचडी कर दिया, अब पीएचडी को हटा दिया, अब नेट ही मिनिमम एलिजिबिलिटी है चाहे कॉलेज में चाहे वो यूनिवर्सिटी में। अभी ये कह रहे हैं कि हमने एक साल के लिए किया है लेकिन बाद में बढ़ जाएगा, इसलिए नेट को निकालिए और असिस्टेंट प्रोफेसर बन के जीवन का आनंद लीजिए। वो कह रहे हैं इस साल के लिए लेकिन होगा नहीं। तो ये सन्यासी विद्रोह के बारे में था। इसके बाद नेक्स्ट आता है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह तुम लोग ऐसे बार बार करोगे तो फिर से एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। ये भी हुआ है फकीर विद्रोह बंगाल में। दो इसके हीरो थे, घुमकर मुस्लिम फकीरों ने किया है इसका नेतृत्व। मजनू शाह और चिराग अली, ये भी बंगाल में हुआ। इसका कारण क्या था, जमींदारों द्वारा किसानों से अधिक लगान वसूलना। और यह लगान अकाल के दौरान वसूला गया, मजनू शाह ने विद्रोह कर दिया कि खाने के लिए नहीं है तुमको लगान चाहिए। तो खासकर बंगाल में तीन जगह है, दो तीन जगह, क्या नाम है गांव का, लाल गोला, बंगाल में थे, दिनाजपुर एक जगह है, मालदा और रंगपुर। इन तीन, ये तीनों केंद्र थे इसके फकीर विद्रोह के। तो मजनू शाह और अंग्रेजों में लड़ाई हुई, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था जेम्स रेनल, जेम्स रेनल ने मजनू शाह को हरा दिया। चिराग अली बचे, चिराग अली की सहायता कुछ जैसे भवानी पाठक ने, देवी चौधरानी ने की, और फाइनली 19वीं शताब्दी में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। हाँ जरूर भेजना, वेरी गुड। एक और विद्रोह हुआ है, पागलपंथी विद्रोह।
1813 से 1831 तक। तो ये गारो जनजाति जो अर्ध धार्मिक संप्रदाय था उत्तर पूर्वी भारत में करम शाह द्वारा चलाया गया। गारो करम शाह का बेटा है टीपू, ये इस विद्रोह का नेता था। तो टीपू ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए धर्म का सहारा लिया और 1813 में किसानों के समर्थन में जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अठारह सौ 25 में इसने शेरपुर पर अधिकार कर लिया। और यहां का शासक बन गया, कौन शासक बन गया शेरपुर का? टीपू। इवन यहां पे इसने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया, एक न्यायाधीश भी नियुक्त किया। लेकिन बहुत जल्दी ही 1813 से लेकर के 31 तक चलाए गए। अठारह साल ये शासक रहा। पागलपंथी गारो जनजाति का एक धार्मिक संप्रदाय 1831 में इस विद्रोह को दबा दिया गया। टीपू यहां से भागा और चला गया जींद और अंततः टीपू की मृत्यु हो गई 1852 में। आधुनिक बांग्लादेश में एक जगह है फरीदपुर, जींद फरीदपुर में एक हाजी रहा करते थे शरीयतुल्लाह। इनके अनुयायी थे फरेजी। इन्होंने 1818 में आंदोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य था कि मुस्लिम समाज में जो भी कुरीतियां व्याप्त हो चुकी हैं, मुस्लिम समाज की उन कुरीतियों को दूर करना। शरीयतुल्लाह का बेटा था दादू मियां, इसने बंगाल से प्लानिंग की अंग्रेजों को निकालने की। तो यह भी विद्रोह जमींदारों द्वारा किसानों के पक्ष में था, जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के विरोध में था। फराइजी विद्रोह नाम था इसका। यानी 1818 में तो शुरू हुआ लेकिन ये चरम पे पहुंचा 1838 में। 1838 से लेकर के 1857 तक ये चलता रहा, अंग्रेज कुचल नहीं पाए। इसके बाद ये बहावी दल में शामिल हो गया। बहावी आंदोलन में शामिल हो गया। बहावी आंदोलन क्या है? अरब में यह आंदोलन चला है मोहम्मद इब्न अल ए वाहिब। चलता रहा। वहाबियों की विचारधारा थी दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना। दारुल हर्ब का मतलब होता है काफिरों का देश, दारुल इस्लाम का मतलब होता है मुसलमानों का देश। दूसरा उद्देश्य था यह बनाकर के इनको इस्लाम का प्रचार करना। भारत में इसका केंद्र पटना था। भारत में एक दिल्ली के भी संत थे शाह वली उल्लाह।
इन्हीं के प्रभाव में एक रायबरेली के संत थे सैयद अहमद बरेलवी। और एक दूसरे भी संत थे शाह अब्दुल अजीज। इन दोनों ने इसको आंदोलन की शक्ल दी। अहमद बरेलवी कहते थे कि मोहम्मद साहब ने जिस इस्लाम की चर्चा की थी, इस्लाम को वैसे ही रहना चाहिए, इसीलिए ये शुद्धि आंदोलन भी था। सैयद अहमद बरेलवी ने इसको पूरा करने के लिए अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कौम के शासक की रियासत में नौकरी कर ली। कौम के राजा ने अंग्रेजों की अधीनता बाद में स्वीकार कर ली, तो अहमद ने नौकरी को छोड़ दिया। फिर वो मक्का चले गए। मक्का में ही इनकी मुलाकात हुई अब्दुल वहाब से। अब्दुल वहाब से इतने प्रभावित हुए कि भारत लौट करके सिखों के खिलाफ जिहाद की घोषणा कर दी। कौम के कहाँ है भाई बताओ? मध्य प्रदेश की एक जगह है। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। दारुल हर्ब वो जगह है जहां पे काफिर रहते हैं। टोंस नदी अलग है, टोंस के शहर अलग है। ये कौन सा स्टेट है जो दिखाई दे रहा है? टोंक राजस्थान में है। आप यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जिहाद दो प्रकार का होता है। एक होता है अंदर का जिहाद, एक होता है बाहर का जिहाद। असली जिहाद है अपने भीतर की बुराइयों को जीतना, नकली जिहाद है जो मुसलमान नहीं है गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाना। जो जिहाद का असली अर्थ जानता है वो अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करता है। हमारे अंदर कितनी सारी बुराइयां हैं, काम क्रोध लोभ मोह शादी अहंकार वासनाएं, तो इसको जिहाद कहा गया है। लेकिन जिनको राजनीति करनी है जिहाद के नाम पर, हत्या करनी है, वो मुसलमान गैर मुसलमान करते हैं और इसी से कट्टरवाद पैदा होता है। जिहाद का शाब्दिक अर्थ होता है स्ट्रगल करना, संघर्ष करना, पवित्र युद्ध करना। ये इन्होंने सिखों के बीच जिहाद की घोषणा कर दी। 1830 में अहमद बरेलवी कुछ समय के लिए पेशावर पर अधिकार कर लेते हैं। और अपने नाम के सिक्के चलाए। 1826 में इन्होंने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। लेकिन 1821 में इनको मार डाला गया। इसकी मृत्यु के बाद पेशावर से ट्रांसफर होकर के इनका केंद्र बन गया पटना। इसकी बहुत सारी शाखाएं भी फैल गई, हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूपी, बंबई। पटना के अलूप अली बंधु थे विलायत अली और इनायत अली, ये इस आंदोलन के नेता बन गए। धीरे धीरे ये पूरे अफगानिस्तान में फैल गया।
पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में एक जगह थी सिंथाना, सिथाना को केंद्र बनाया गया इस आंदोलन का। अठारह में इनायत अली ने भावियों को सिंथाना में एकत्रित होने का संदेश दिया, फिर लोगों ने इसको सिंथाना से निकाल दिया, तो फिर इसने मैलका को केंद्र बनाया। लेकिन 1857 में लोगों ने इस आंदोलन को जाना, उसके पहले जानते भी नहीं थे इस आंदोलन। अंग्रेजों को यह डर था कि वहावी चूंकि अफगानिस्तान साइड में बड़े सक्रिय थे, कहीं रूसियों से एक हो जाकर के अंग्रेजों के लिए संकट न उत्पन्न कर दे। वहावी इसलिए 1860 में अंग्रेजों ने इनको मारना शुरू कर दिया। 1870 तक 10 साल तक यह आंदोलन पूरी तरह से दबा दिया गया। इसलिए इसका उद्देश्य भी खत्म हो गया। इसका उद्देश्य था भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। तो यह था वहाबी आंदोलन, समझ गए सभी लोग। अच्छा विदुषी, मुझे जान के खुशी हुई। नेक्स्ट है कूका आंदोलन। तो इस आंदोलन की शुरुआत फिर पंजाब में हुई थी। कोई अपनी तारीफ सुनकर थकता है इस रीजन में। कूका आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1840 में और इसके नेता थे भगत जवाहरमल। इनका निकनेम हुआ करता था सेन साहब। राम दुलारी तुम कहाँ थी? इनके बेटे हैं, शिष्य हैं, बेसिकली बेटे नहीं है, बालक। बालक सिंह ने अपना केंद्र बनाया हजारा में। शुरू में यह धर्म और समाज के सुधार से प्रेरित था, लेकिन बाद में यह राजनीतिक आंदोलन बन गया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई। बालक सिंह के पुत्र हैं राम सिंह। राम सिंह के अनुयायियों ने कहा कि ये गुरु गोविंद सिंह के अवतार हैं। हाँ, पंजाबी तो बनाया। तो जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह ने सिखों से बाज लड़ाया था, उसी तरह से राम सिंह भी अंग्रेजों से बाज लड़ाएंगे। तो राम सिंह ट्रेनिंग देने लगे सिखों को कि अंग्रेजों से कैसे लड़ेंगे। 1863 में पहली बार अंग्रेजों ने राम सिंह को नजरबंद कर दिया। में राम सिंह भाग करके चले आए फिरोजपुर और यहीं फिरोजपुर में राम सिंह ने कर दी बगावत। ये पहला कूका विद्रोह हुआ। 1871 में मलोट और मलेरकोटला इन पर संघर्ष हुआ, कूका संघर्ष। जब यहां तक बगावत की आग पहुंच गई तो अंग्रेज बड़े नाराज हो गए।
अंग्रेजों ने सोचा कि इस विद्रोह को किसी तरह से कुकी अलग है, इनको दमन किया जाए, निर्ममता पूर्वक दमन किया जाए। 17 जनवरी 1872 को 50 विद्रोहियों को तोप के मुंह पर बांध के उड़ा दिया गया डराने के लिए। पचास कुकाओं को तोप से बांध के उड़ा दिया गया। और फिर अगले ही दिन 18 जनवरी को 16 कुकाओं को तोप से बांध के उड़ा दिया गया। 1872 ईस्वी को ही राम सिंह को निर्वासित कर दिया गया रंगून। 1885 में उनकी डेथ। राम सिंह ने इसी दौरान 14 अप्रैल 1857 को भाईनी अरैया गांव जिला लुधियाना में एक और संप्रदाय की स्थापना की थी नामधारी। लुधियाना में समझ गए, यह है कुका मूवमेंट का पूरा डेटा। तो यह है धार्मिक और सामाजिक आंदोलन, जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया, सिखाया, दिखाया, वो सब यहां पे लिखा हुआ है डिटेल। अब इसके बाद इसको पढ़ोगे तो ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जनजाति और आदिवासी विद्रोह, ट्राइबल मूवमेंट। ठक्कर बापा ने सर्वप्रथम आदिवासी शब्द दिया। आदिवासी मुख्यधारा से अलग थे, ये जंगल को ही अपना घर बनाते मानते थे और जंगल में ही रहते थे। इनका जीवन पूरी तरह से प्राकृतिक था, इनको सभ्यता इत्यादि से कोई लेना देना नहीं था। एक कंटेंटेड लाइफ जीते थे, बहुत ज्यादा संसाधन तो नहीं थे, जंगलों के ऊपर ये निर्भर थे अपने जीवन के लिए। इनके अपने रीति रिवाज थे, अपनी व्यवस्था थी, अपने कुलगुरु थे, अपनी मान्यताएं थी। अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू किया इनकी व्यवस्था में और इनसे कहा कि आप जो शराब बनाते हो या खेती करते हो या जंगल में रहते हो, इसके लिए हमको टैक्स दो। अंग्रेज को ये कहते थे दिक्कू। सिर्फ अंग्रेज को ही नहीं, अंग्रेजों के हाथ के जो टूल्स थे, जैसे जमींदार, साहूकार, महाजन, इनको कहते थे दिकू, डाकू का ये बिगड़ा हुआ रूप। दिकू का मतलब होता है शोषक, एक्सप्लॉयटर। लेकिन इनकी व्यवस्था को अंग्रेज बिगाड़ने पे आमादा थे और आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ कुल 70 विद्रोह किए। आदिवासी विद्रोह को 3 चरण में बांटा गया। पहला चरण है 1795 से लेकर के 1860, संथाल, कोल, खोंड, पहाड़िया, ये विद्रोह आता है। दूसरा चरण है 1860 से 1920, भील, मुंडा, नेकदा, कोया, खारवाड़िया। तीसरा चरण है इसके बाद राणा भगत, चेंचू, रंपा वगैरह। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे, इसके भी पहले कुछ विद्रोह हुए उनकी, और एक इंपॉर्टेंट विद्रोह हुआ जिसे कहते हैं चुवार। चुवार विद्रोह कहां से संबंधित है? इसलिए तो मैं क्रम से ही पढ़ा रहा हूं। चुवार है बंगाल में,
ये विद्रोह हुआ 1769 से 1772। इसे कहा गया है भूमि विद्रोह। बंगाल में एक जगह है मेदिनीपुर, मेदिनीपुर के ये निवासी हुआ करते थे। अकाल आया, लगान बढ़ा, इन लोगों ने हथियार उठा लिया और कुछ लोकल राजाओं ने भी इनका साथ दिया। जैसे एक राजा थे दलभूम के राजा कैलापाल, ढोलका, बाराभूम, इन राजाओं ने भी आदिवासियों का साथ दिया। चुहार विद्रोह के हीरो दो हैं, एक का नाम है जगन्नाथ और दूसरे का नाम है दुर्जन। इन लोगों ने क्या किया, अपने ही इलाके को उजाड़ दिया और कंपनी को टैक्स देना बंद कर दिया। 30 साल तक ये बगावत चलती रही और बाद में धीरे धीरे ये समाप्त हो गया। अब दिख रहा स्लाइड, इसी तरह से हम साउथ इंडिया में भी पाते हैं, जैसे साउथ इंडिया में विजयनगर, इसके राजा को कंपनी ने कहा कि अपनी सेना भंग कर दो और 3 लाख रुपए दो। राजा ने मना कर दिया, इसकी जागीर को जब्त कर लिया गया और 1794 में विजयनगर का विद्रोह। प्रजा और राजा की सेना ने भी राजा का समर्थन किया, राजा की मौत हो जाती है। इसके बाद कंपनी ने डर करके राजा के बेटे को जागीर वापस कर दिया और अपनी मांगे खत्म कर कम कर दी। हाँ हाँ कुछ छोड़ेंगे नहीं, सब बताएंगे। इसी तरह से मद्रास में से लेकर 1805 ईस्वी तक के बीच हुआ है गंजाम विद्रोह और इसका नेतृत्व किया श्रीकर भंज ने। श्रीकर भंज और इनका बेटा था धनंजय भंज। इनका भी दमन किया गया। टीपू सुल्तान की जब हार हुई मैसूर में, तो मैसूर में डिंडीगुल और मालापार्क में शासक जाति थी पालीगर। अंग्रेजों ने जब अपना भूमि कर व्यवस्था यहाँ पे लगाया तो पालीगरों ने विद्रोह कर दिया और ये विद्रोह हुआ 1801 से लेकर के 1805 तक। इस विद्रोह के नेता थे वीर पी कट्टा वामन। तो इस तरह से ये 3 मुख्य विद्रोह दक्षिण भारत। केरल में भी एक विद्रोह हुआ, केरल के दीवान थे वेलुथंपी, उनका विद्रोह। केरल का पुराना नाम है त्रावणकोर। यहाँ के राजा ने लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने से मना कर दिया, तो अंग्रेजों ने शासक को गद्दी से उतार दिया, तो इसलिए इसके दीवान वेलुथंपी ने इसके खिलाफ बगावत कर दी। नायर जातियों ने भी इस विद्रोह का समर्थन किया। वेलुथंपी ने अमेरिका और फ्रांस से भी सहायता का प्रयास किया।
इसी विद्रोह में वेलुथंबी की मौत हुई। कुछ इतिहासकारों ने इसकी प्रकृति को देखते हुए ये कहा है कि 1857 की क्रांति का पूर्वगामी है ये। इसी तरह से उड़ीसा में खुर्दा एक जगह है। खुर्दा में सैनिक थे, वो पुश्तैनी रूप से राजा को सेवा दिया करते थे और लगान मुक्त भूमि उनको मिला था पुश्तैनी, उनको कहा जाता था पाइक। अंग्रेजों ने पाइक की लगान भूमि मुक्त पर भी लगान लगा दिया, तो खुर्दा के राजा ने पाइकों के साथ मिलकर के 1804 में विद्रोह किया और अंग्रेजों को हराया। 1817 में पाइकों ने जगबंधु के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन के अत्याचार और शोषण के खिलाफ फिर से विद्रोह किया और अंग्रेजी सेना को फिर से हराया और हराने के बाद पूरी पर अधिकार कर लिया। लेकिन 1825 तक जाते जाते अंग्रेजों ने पाइकों का दमन कर दिया। पाइक विद्रोह, इसी तरह से महाराष्ट्र में भी एक विद्रोह निकला। भील विद्रोह 1818 से लेकर के 1921 तक, खानदेश महाराष्ट्र, अंग्रेजों ने खानदेश पर अधिकार किया फलस्वरूप भीलों ने 1820 में दशरथ के नेतृत्व में विद्रोह किया। अंग्रेजी सेना ने इसको दमन कर दिया लेकिन भील से डरे नहीं। 1822 तक जाते जाते भीलों ने हीरिया के नेतृत्व में फिर विद्रोह किया और 1825 तक जाते जाते एक और तीसरे नेता थे इनके सेवरम, इसे भी अंग्रेजों ने दबा दिया। लेकिन ये विद्रोह जिंदा रहा। 1821 में फिर विद्रोह हुआ। भागोजी और काजल सिंह ने इसका नेतृत्व किया। ये पूरी की पूरी चेन चली भील विद्रोह की। अंग्रेज कहते थे कि इस विद्रोह को हवा दे रहे हैं पेशवा बाजीराव द्वितीय, और पेशवा बाजीराव द्वितीय और उनके प्रतिनिधि थे त्रियंबक जी ढंगालिया। काजल सिंह मिल, तो यह विद्रोह था भील विद्रोह महाराष्ट्र से संबंधित। इसके अलावा राजस्थान में भी विद्रोह हुआ। राजस्थान राजस्थान में मेवाड़ एक जगह है, मेवाड़ के भील। अपने आक्रमणों से बचाव के लिए यात्रियों और ग्रामों से एक टैक्स वसूलते थे, इसे कहा जाता था रखवाली टैक्स या भोलाई कर। यात्रियों की रक्षा करते थे और उनसे टैक्स करते थे। लेकिन मेवाड़ के शासक ने सुझाव दिया कर्नल रीड को कि भोलाई कर को समाप्त कर दो, तो रीड ने समाप्त कर दिया। इसके अलावा ये भील, इनमें एक और पुश्तैनी परंपरा थी कि ये महुआ, महुआ एक वृक्ष होता है, महुआ के फूल होते हैं जिनको इकट्ठी करके शराब बनाई जाती है और लकड़ी काटने का भी ये पेशा था। इन पर भी अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया, ऊपर से एक नया टैक्स लगा दिया, उस टैक्स का नाम ही था पिसाला,
यानी 3 साल तक जो देना था। अब भील जो कि इन शोषणों से बचे हुए थे, वो शाहूकार, जमींदार और अंग्रेज इनके शोषण में आ गए। और इन सबसे परेशान होकर के भीलों ने 1821 में विद्रोह कर दिया, और विद्रोह के नेतृत्व करता थे दौलत सिंह। दौलत सिंह के पास इस विद्रोह का नेतृत्व किया गोविंद ने। अंग्रेजों ने इस विद्रोह के दमन के लिए एक अलग तरह के कोर्ट की स्थापना की, जिसे कहते हैं मेवाड़ भील कोर्ट। यह आंदोलन बहुत लंबे समय तक चलता रहा। 1921 में जमींदारों द्वारा लिए जाने वाले टैक्स के विरोध में मोतीलाल तेजावर ने भीलों का एक विशाल सम्मेलन बुलाया। अंग्रेजों को पता चला तो मोतीलाल तेजावर को गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल दिया गया, और ये 1945 में जेल से छूटे। और इस सभा में जितने भील थे सबको मार डाला गया, लगभग 1200 भील मारे गए। इस तरह से इस आंदोलन का दमन कर दिया गया। इसी तरह से गुजरात में ओखा मंडल एक जगह है, 1818-19 ईस्वी के दौरान बघेरा जनजाति है गुजरात, ये आरंभ से ही विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का। लेकिन जब बड़ौदा के गायकवाड़ ने अंग्रेजी सेना की सहायता से लोगों को अधिक कर वसूलने का प्रयास किया, तो बघेरा सरदार ने 1818-19 में सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। 1820 में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। एक और जगह है गुजरात में, कच्छ। कच्छ के राजा थे भारमल। अंग्रेजों ने भारमल को गद्दी से उतार करके उनके छोटे बेटे को गद्दी पर बिठा दिया। तो भारमल और इनका समर्थक सरदार था झरेजा। झरेजा ने विद्रोह किया। बाद में भारमल को फिर से गद्दी पर बिठाया गया 1831, तब जाके ये विद्रोह समाप्त हुआ। यानी ये विद्रोह चलता रहा 1819 से लेकर के 31 तक। हाँ, एक भील विद्रोह महाराष्ट्र वाला अलग है, राजस्थान वाला अलग। महाराष्ट्र में एक और विद्रोह हुआ है जिसे कहते हैं रामोशी विद्रोह। इसका टाइम पीरियड है 1822-41। ये पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में रहने वाली एक जनजाति है। जबरन अंग्रेज लगान वसूलते थे, इससे परेशान होकर के इन्होंने चित्तौर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया 1822। और महाराष्ट्र के सतारा के आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट। लेकिन उस समय अकाल पड़ गया, तो इनमें भूखमरी आ गई। फिर इन्होंने लूटपाट की और उमाजी के नेतृत्व में दक्कन में। तीन साल तक दक्कन को लूटते रहे। ये रामोशी कभी मराठा सेना के अंग हुआ करते थे, लेकिन मराठों का पतन हो गया तो ये खेती करने लगे थे। अंग्रेजों ने फिर एक काम ये भी किया था कि सतारा की जनता को, सतारा के राजा को, उनका नाम था राजा प्रताप सिंह, प्रताप सिंह को सिंहासन से उतार करके निर्वासित कर दिया। तो समस्त क्षेत्र की जनता ने 1840-41 में विद्रोह कर दिया।
रामोसी तब तक शांत नहीं हुए जब तक इनको लगान इनका माफ नहीं कर दिया गया और पहाड़ी पुलिस में इनको नौकरी नहीं दे दी गई, तब तक ये विद्रोह करते रहे। कर्नाटक में 1824 से लेकर 29 तक एक नया विद्रोह चला, कित्तूर का विद्रोह। कित्तूर के अंतिम शासक थे शिवलिंग रुद्र, इनकी मृत्यु होगी 1824 में। चिनम्मा का कोई बेटा नहीं था तो गोद लेना चाहती थी, अंग्रेजों ने इसको मान्यता ही नहीं दी, तो चिनम्मा ने रायप्पा की सहायता से बगावत कर दी। विद्रोहियों ने धारवाड़ के कलेक्टर को मार डाला, कित्तूर को स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन 1829 में अंग्रेजों ने चिनम्मा को गिरफ्तार करके धारवाड़ जेल में बंद कर दिया और रायप्पा को फांसी हो गई। बाद में चिनम्मा जेल में ही मर गई। मणिपुर और त्रिपुरा में एक और जनजाति निवास करती थी, इसे कहते थे कुकी। ये झूम खेती करते थे, लेकिन 1826 में गवर्नमेंट ने झूम खेती पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अठारह सौ छब्बीस से 44 के बीच विद्रोह का झंडा खड़ा किया गया, 1850 में दबा दिया गया। सरकार बिना मजदूरी दिए इनसे खेती करवाती थी, इस विद्रोह को फिर दबा दिया। तो यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे और तो जमींदार भी नहीं चुका पा रहे थे, तो जमींदारों से जमीनों को छीन करके अंग्रेज ले रहे थे वापस, और जमींदारों की संपत्ति कुर्क करके इनसे वसूल लिया जाता था। 1827 में एक जगह है पालकोंडा, पालकोंडा के जमींदार का नाम था विजयराम राजे। इन्होंने संपत्ति कुर्क किए जाने के खिलाफ बगावत कर दी, तो अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए फौजी शासन लागू कर दिया। अठारह सौ तीस से 31 में विशाखापट्टनम के जमींदार सेम जमींदार वीरभद्र राजे ने इनकी पेंशन रोक दी गई। पेंशन रोकने के मुद्दे पर इन्होंने विद्रोह किया और फिर इनके बेटे थे जगन्नाथ राज, इन्होंने भी विद्रोह किया। बाद में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। असम में
वहां का जो नोबेल क्लास था, सब में रहता था, उसे कहते थे अहोम। अंग्रेज इस असम के इलाके को कब्जा करना चाहते थे, तो इस वर्ग ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि कंपनी द्वारा बर्मा से युद्ध से लौटने के बाद अहोम के क्षेत्र को कंपनी ने लौटाने का वचन दिया था। 1828 अहोम लोगों ने गोमधर कुंवर को अपना राजा घोषित कर दिया। और रंगपुर पर चढ़ाई करने की योजना बनाई, लेकिन सफल नहीं हुए। फिर अगले ही साल, अगले 2 साल बाद 1830 में दूसरे विद्रोह की योजना बनाई, लेकिन अंग्रेजों ने अहोमों से समझौता कर दिया और उत्तरी असम के प्रदेश को महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया गया, जिससे अहोम विद्रोह शांत हो गया। छोटा नागपुर के इलाके में ये जो इलाका है, खासी विद्रोह होता है 1829 से लेकर के 33 तक। जयंतिया और गारो पहाड़ी क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अधिकार किया और एक रास्ता ब्रह्मपुत्र घाटी तक बनाने की उनकी योजना थी। बहुत सारे अंग्रेज और बंगाली लोग वहां गए, तो खासी जनजाति ने इसका विरोध किया। इनके मुखिया का नाम था तीरथ। क्या मेघालय में है? हाँ, खासी मेघालय में है। मैंने, अच्छा, मैंने इधर बता दिया, वो छोटा नागपुर बता रहा हूँ। तीरथ सिंह ने इनका नेतृत्व किया और लगभग 10,000 सिपाहियों को लेकर के इन्होंने अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। तीरथ सिंह की सहायता किया बारमानिक और मुकुंद सिंह ने। लेकिन 1833 में खासी लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया और विद्रोह शांत हो गया। तो ये थे प्रमुख विद्रोह आज के। और कल से आपकी 9 बजे से कौन सी क्लास शुरू हो रही है? कोई बात नहीं, मारपीट हो चुका है, अब डरने की जरूरत नहीं। नेट एडमिट कार्ड आ जाएगा,
अभी ये पूरे विद्रोह इसमें कवर नहीं हुए हैं, अभी कल भी इसकी क्लास है, आज तो डाउट क्लियरिंग सेशन था, उसमें हमने कवर कर लिया, अभी से एक और क्लास कल है। ठीक है, किसको किसको एडमिट कार्ड तुरंत चाहिए? हाँ ये सही है पूजा, तुम कल ही यूजीसी हेड ऑफिस में। हाँ एग्जाम देने वालों की कब से मर्जी होने लगी भाई, मैंने हिंट क्या दे दिया? अच्छा मन के राजा हो, अपने फिल्म के हीरो सभी हैं, ये अलग बात है कि कोई मानता नहीं उन्हें। सब खुद को फिल्म भी मानते हैं।